हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रिविट के अंदर बॉक्स गर्डर कैसा बनाया जाता है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने गर्डर बनाया था जो जिसके अंदर हमने प्रोफाइल को लोड नहीं किया था, प्रोफाइल एडिट की थी। और इस वीडियो में हम प्रोफाइल बनाएंगे और प्रोफाइल बना के स्वीप के अंदर यूज करेंगे। ये मैंने एक मॉडल बनाया था पहले, तो हमको जो बनाना है ये बॉक्स गर्डर बनाना है जो कि ट्रैक के नीचे है। ये गर्डर बनाना है और ये जो प्रोजेक्ट के अंदर ये रिटर्निंग वॉल है, ये ड्रॉप वॉल है, इसका फाउंडेशन है और ये ट्रैक है। अगर से हम इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखेंगे तो इस तरह से है, और क्रॉस सेक्शन अगर से हम देखेंगे तो इस तरह से है। अब हमको पूरा प्रोजेक्ट बनाना नहीं है, सिर्फ हमको इसकी एक प्रोफाइल बनाना है और उसको यूज करना है। तो चलिए हम अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं। पहले तो हम यूनिट सेट कर देंगे। अब हम फाइल पे क्लिक करके न्यू लेंगे और न्यू में फैमिली क्रिएट करेंगे हम। वन टाइम बैक हम जो अब क्रिएट करेंगे वो मैट्रिक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। मैट्रिक प्रोफाइल ओके, और यहां पर हम हमारी एक मैट्रिक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे जो कि हम कहीं पर भी डबल से यूज कर सकते हैं। अगर से यही प्रोफाइल हम हमारे मॉडल के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि कंपोनेंट के नीचे जो ड्रॉप डाउन एरो आता है वहां पे क्लिक करके एक जेनरिक मॉडल क्रिएट करके हम वहां पे एक प्रोफाइल बना सकते हैं। बट वो प्रोफाइल हम उसी प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। बट जो हम फैमिली के अंदर प्रोफाइल बनाएंगे मैट्रिक प्रोफाइल, वो हम किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं डबल। चलिए यहाँ पे हम प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। जो बॉक्स का जो इनर टू इनर साइज है वह है 1.2। और हम इसको सेट कर देंगे सेंटर में मूव कमांड से। इसकी जो थिकनेस है वो 250 है आउटर से, 1 लाइन पे क्लिक करेंगे और क्रिएट सिमिलर कमांड यूज करेंगे हम, या फिर ऑफसेट लेंगे। और जो यहाँ पे हाउंच है वो 150x150 का है। हम डायमेंशन भी यूज कर सकते हैं, ये 150 और यहां से भी 150 है 150। 1 मिनट, हम सबसे अच्छा एक लाइन क्रिएट कर देंगे यहाँ पे 150 की। ओके, देन यहां से सिर्फ रेफरेंस लेंगे 150, यहां से इतना 150 का रेफरेंस लिया हमने। और यहां पे और जो पहले जो लाइन बनाए थे हमने 150 की, इसको डिलीट कर देंगे और इसको ट्रिम कर देंगे। अब इसी लाइन को हम मिरर कर देंगे। ओके,
कंट्रोल सेट करेंगे। ट्रिम करने से पहले हम मिरर कर देंगे ताकि बाद में डिस्टर्ब ना हो डायमेंशन में। कंट्रोल प्रेस करके दो लाइन सेलेक्ट करेंगे और इसको मिरर कर देंगे। अब हम ट्रिम कर सकते हैं लाइंस को। ओके, हम जो है जो हमारे गर्डर का जो सेंटर पॉइंट है ये यहाँ पर है। हम चाहे तो इसको कॉर्नर में भी सेट कर सकते हैं या फिर नीचे भी सेट कर सकते हैं। हम जो पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसी रेफरेंस पे उसी पाथ पे हमारा जो गर्डर है वो चलेगा स्वीप के अंदर या फिर कौन से भी कमांड के अंदर। यहाँ पे हमारी प्रोफाइल बन चुकी है, हम उसको सेव कर देंगे। ओके, डॉक्यूमेंट्स में हम सेव कर देंगे गर्डर नाम से। ओके, 1 2 3 नाम से हमारी जो फाइल है प्रोफाइल वो सेव हो चुकी है। अब हम इसको लोड इनटू प्रोजेक्ट कर देंगे। और ये भी यूज कर सकते हैं आप लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज। प्रोजेक्ट नंबर 7 में हमको लोड करना है। ओके, ये जो प्रोफाइल थी हमने इसको लोड कर दिया है हमारे इस प्रोजेक्ट में। अगर से हम वैसा अगर से लोड नहीं करें तो यहाँ पे इंसर्ट पे जाएं, इंसर्ट में लोड फैमिली, और जो आप जहां पर भी आपकी फैमिली आपने सेव की है उसको यहां से आप लोड कर सकते हैं। अब यहां पर हम आर्किटेक्चर टैब पे क्लिक करें, फिर कंपोनेंट के नीचे जो ड्रॉप डाउन एरो इस पे क्लिक करें, फिर मॉडलिंग प्लेस पे क्लिक करें। यहां पे हम एक जेनरिक मॉडल क्रिएट करेंगे और यहां पे हम स्वीप कमांड यूज करेंगे और इसको हम पाथ देंगे। पाथ आप कैसा आप दे सकते हैं, स्ट्रेट या फिर कर्व में या फिर कितनी भी साइज का दे सकते हैं। यहां पे 50 मीटर यूज करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे हम एडिट प्रोफाइल पे क्लिक नहीं करेंगे बल्कि प्रोफाइल के नीचे जो ड्रॉप डाउन एरो है इस पे क्लिक करेंगे और जो हमने सेव किया था 1 2 3 नाम से यहाँ पे अपलोड हो चुका है, इस पे क्लिक करें और ओके पे क्लिक करें और फिनिश मॉडल। अगर से आप देखें 3D में तो हमारा जो प्रोफाइल है रेक्टेंगल शेप का वो क्रिएट हो चुका है गर्डर का। इसको हम फाइन मोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रियलिस्टिक करेंगे और स्केल जो है 1:50 यूज करेंगे। ये देखिए हमारा जो बॉक्स का जो गर्डर शेप था वो इतनी जल्दी बन गया है। अगर से हम इसका क्रॉस सेक्शन कट करेंगे ये हमारे गर्डर का क्रॉस सेक्शन है रेक्टेंगल। अगर से हम इसके डायमेंशन मेजर करेंगे, स्केल 1:50, ओके, थोड़ा सामने मूव कर देंगे, इसका ओवरऑल डायमेंशन शो करेंगे और इस साइड का भी हम डायमेंशन शो कर सकते हैं। आज का डायमेंशन भी हम बता सकते हैं। यहाँ का डायमेंशन है 150 by 150। अगर से ये हम 3D में देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। हम चाहे तो इसका मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं। मटेरियल चेंज करने के लिए
इसके ऊपर डबल क्लिक करें या फिर एडिट इन प्लेस पे क्लिक करें और एक बार इसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे हम मटेरियल क्लिक करें और यहाँ पे हम मटेरियल शो कर सकते हैं। हम कॉन्क्रीट यूज करेंगे क्रॉस सेक्शन में, सॉरी सरफेस में हम सॉलिड यूज करेंगे और कट पैटर्न में हम कॉन्क्रीट बताएंगे। अगर से आप देखें क्रॉस सेक्शन में, कट सेक्शन में हमको कॉन्क्रीट दिखेगा, ये कॉन्क्रीट, और टॉप सरफेस में हमको प्लेन दिखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।